चाहे बाजार का सेट हो, चाहे वंदना का रोड हो, चाहे सामुदायिक भवन हो, कुछ कुछ काम दिखने लगा है तो हमारा भी उम्मीद जग गया है कि काम होगा। आपका योगदान को नकार नहीं सकते, आप बहुत काम कर रहे हैं। अपने उद्बोधन में स्थानीय नागरिक श्री रमेश शुक्ला ने बताया कि बालको सरगुजा जिले के विकास में सहायक है। उन्होंने यह भी कहा कि हम सभी को मिलजुल कर बालको के विकास कार्यक्रमों में भागीदारी करनी चाहिए। एक आम नागरिक की हैसियत से मैंने ये महसूस किया है कि जब से बालको प्रबंधन ने सरगुजा जिला में और खासकर नियम पार्क में अपनी गतिविधियाँ बढ़ाई है, यहाँ के स्थानीय लोगों की और सरगुजा जिले की उन्नति में ये सहायक हुए हैं, तो इनसे मिलकर आपको आगे बढ़ना है। बालको के सह उपाध्यक्ष नारायण बालाकृष्णन ने बताया कि बालको प्रबंधन क्षेत्र के चहुमुखी विकास के लिए कटिबद्ध है। कार्यक्रम में बालको के सामुदायिक विकास एवं कंपनी संवाद महाप्रबंधक श्री जितेंद्र धीर और सामुदायिक विकास विभाग प्रमुख श्री आर के खेर ने अनेक परियोजनाओं से लोगों को अवगत कराया। बालको कंपनी संवाद प्रमुख श्री बीके श्रीवास्तव ने अपने उद्बोधन में श्री नेताम श्री भगत एवं समस्त विशिष्ट अतिथियों का आभार जताया। भगवान जगन्नाथ की वापसी रथ यात्रा धूमधाम से संपन्न हुई। बालको के मुख्य प्रचालन अधिकारी श्री विभु प्रसाद मिश्रा ने अनुष्ठान कर गुंडीचा मंदिर से श्री राम मंदिर के लिए रवाना किया। देखिए ये रिपोर्ट। श्रीमती और श्री मिश्रा के अलावा अनेक बालको अधिकारियों, कर्मचारियों, उनके परिवारजनों और बालको नगरवासियों ने अनुष्ठान में भाग लेकर पुण्य कमाया। रथ यात्रा विभिन्न मार्गों से होती हुई बालको नगर के श्री राम मंदिर पहुंची, जहां पूजा अर्चना के बाद भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा और बलभद्र की स्थापना मंदिर में की गई। पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन के लिए वर्ष 2010 में बालको प्रबंधन ने 3,00,000 पौधे लगाने का संकल्प लिया है। इस दिशा में प्रबंधन ने बालको नगर और आसपास के क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण अभियान चलाया है। बालको ने अपने रेडमठ क्षेत्र को भी इस अभियान से जोड़ा है, जिसकी शुरुआत बालको के सह उपाध्यक्ष श्री नारायण बालकृष्णन ने रेडमठ क्षेत्र में पौधारोपण से की। रेडमठ क्षेत्र में पौधारोपण करने से पूर्व क्षारीय परत के ऊपर फ्लाई ऐश की परत तथा उसके ऊपर मिट्टी की परत डाली गई। फ्लाई ऐश युक्त अम्लीय परत से क्षारीय मिट्टी के मिलने से अत्यधिक उर्वरा जमीन तैयार हुई है, जिस पर बालको ने पहले चरण में लगभग 1200 पौधे रोपे हैं। पौधारोपण कार्यक्रम में बालको के सिविल सह महाप्रबंधक श्री कृष्णा चक्रवर्ती और पर्यावरण विभाग की सह प्रबंधक सुश्री साधना वर्मा, सहायक प्रबंधक श्री बी आर प्रसन्न कुमार, सिविल सह प्रबंधक श्री मुनीर अहमद के अलावा अनेक ठेका श्रमिकों ने उत्कृष्ट भागीदारी की। रेडमठ पॉन्ड एरिया में को ज़्यादा व्यवस्थित करने के लिए और इसे ज़्यादा सुंदर और एनवायरमेंटली एक्सेप्टेबल बनाने के लिए हमने एक मुहिम छेड़ा था, जो आज से 2 से 3 महीने पहले शुरू
इसकी शुरुआत की गई। इसके चारों ओर के गड्ढे जहाँ पे कॉस्टिक का ये की मात्रा कभी कभी दिखती थी, उसे पूरा कवर करके इस तरीके से किया गया है ताकि सॉइल प्रिपरेशन इस तरीके से किया गया है कि प्लांटेशन कर सके और यहाँ पे हरियाली हो। और जैसे जैसे ये पेड़ बढ़ेंगे, यहाँ की जो धूल की समस्या है या कॉस्टिक सूखने की जो समस्या है, ये सब खत्म हो जाएगा। पर्यावरण संवर्धन एवं संरक्षण की दिशा में लक्ष्मी तरु किसी वरदान से कम नहीं। इससे देश को प्रत्यक्ष तौर पर विदेशी मुद्रा की बचत भी होगी। ये बातें बाल्को के कंपनी संवाद एवं सामुदायिक विकास विभाग महाप्रबंधक श्री जितेंद्र धीर ने लक्ष्मी तरु पर आयोजित विशेष बैठक में कही। लक्ष्मी तरु पर आयोजित कार्यक्रम में बाल्को की कंपनी संवाद एवं सामुदायिक विकास महाप्रबंधक श्री जितेंद्र धीर ने कहा कि लक्ष्मी तरु प्रजाति के पेड़ लगाने से कोरबा जैसे शहरों में प्रदूषण समस्या पर नियंत्रण पाने में मदद मिलेगी, कम करेगा, वातावरण साफ करेगा, ऐसा पेड़ लगाना और अच्छा है। और ये माध्यमों में मिल गया, आर्ट ऑफ लिविंग वाले हमें ये पेड़ भी दे रहे हैं। इवन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एग्री कर गया है कि अगर हम उन्हें बीज देंगे, बीज से वो सैम्पलिंग बना के दे देंगे। सैम्पलिंग बनने में जैसे सुना 20-25 दिन लगते हैं, तो वो बना बनाया मिलेगा तभी तो आप प्लांटेशन करेंगे। आप खुद करने लगेंगे वो नर्सरी के अलावा ही होगा। तो सारी चीज़ें सुविधा होती चली जा रही है। बच्चों के हाथ से लगाइए, अपने स्कूल में लगाइए, कहीं घर में लगाइए, उनको घर के लिए दे दीजिए, अपने घरों में भी लगाएं, तो इस तरह से फैलेगा ना। नहीं तो क्या है, एक जगह लगाया और कुछ बचे कुछ नहीं बचे, इसके तो सर्वाइवल के बड़े अच्छे चांस हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा पानी लगेगा, वैसे भी मौसम अच्छा है, पानी की कमी से तो वो होगा नहीं। दूसरी बात, उसको कोई जानवर बकरी कोई खाएगा नहीं। कितना आसान है इसको लगाना और सबसे ज़्यादा प्रदूषण के लिए अच्छा है। सिद्धेटी आर्ट ऑफ लिविंग समुदाय की ओर से उपलब्ध कराए गए लक्ष्मी तरु के पौधों का वितरण कार्यक्रम में उपस्थित बाल्को नगर के विभिन्न विद्यालयों के प्राचार्यों को किया। यह पौधा बहुत ही उपयोगी है, यह पर्यावरण की दृष्टि से कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रदूषित हवा है उसको अवशोषित करके शुद्ध वातावरण को शुद्ध करती है। साथ में इसके बीज से औद्योगिक तेल और बीज से खाद वगैरह बनता है और इसे लक्ष्मी तरु के नाम से जाना जाता है। और हम सबको पर्यावरण के सुधार के लिए इस पौधे को कम से कम 5-5 पौधे लगाने का संकल्प लेना चाहिए। इस बैठक में हमने यही सीखा। इस पौधे के बारे में पहली बार हम लोगों को जानकारी हुई है। इस पौधे से इतने अधिक लाभ हैं कि आपके जो दूध हैं और आपके संतरा हैं या जो भी प्रोटीन जितने भी हम खर्च करते हैं, उससे अधिक प्रोटीन और कैल्शियम जितने भी मात्राएं में है इस पौधे में अधिक से अधिक मात्रा में लाभ इसको उठाया जा सकता है। आज यहाँ BLC में मीटिंग अटेंड करने आया, बहुत अच्छा लगा। पौधे के बारे में बताया गया, इसकी उपयोगिता क्या है, ये इसके बारे में डिटेल में बताया गया धीर साहब द्वारा। ये जानकारी हम चाहते हैं कि बच्चों को भी दी जाए। लक्ष्मी तरु मूलतः मैक्सिको की उत्पत्ति है, जिसका मूल नाम सीमा रुआ ग्लाउं का है। इसकी विशेष खूबियों की वजह से वर्ष 1960 में इसे भारत लाया गया और परीक्षण के तौर पर एक सीमित क्षेत्र में इसकी रोपनी की गई। बेंगलुरु स्थित कृषि अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिकों ने शोध के बाद इसे बहुउपयोगी बताया। इसका तेल खाने के काम में लाया जाता है, जो अनेक पोषक तत्वों से भरपूर है। इसकी लकड़ी सागौन के खूबियों के समतुल्य हल्की, चिकनाई युक्त और मजबूत होने के कारण फर्नीचर और खिलौना निर्माण व्यवसाय में बहुत कारगर साबित हो रही है। तो जैसे कि आपने अपनी लक्ष्मी तरु के फायदे के बारे में देखा, लक्ष्मी तरु पौधा किस तरह से हमको फायदा देता है, ठीक इसी तरह से आर्ट ऑफ लिविंग में बच्चों के लिए कुछ हो